उत्तर प्रदेश सरकार व लोगों की सुरक्षा व्यवस्था रखने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे लाख प्रयास करें, लेकिन अपराध करने वाले कहीं न कहीं किसी भी तरीके को अपनाते हुए अपराध करने से नहीं चूकते। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के बेवड़ थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के बावजूद भी ठगाई करने वाले अभियुक्तों ने लोगों को ठगने का एक और नया तरीका निकाल लिया है, जिससे वे लोगों की दिन दहाड़े बैंक के खाते से जनसेवा केंद्र खोलकर ठाकरे का काम कर रहे हैं। फर्जी जनसेवा केंद्र बनाकर भोले भाले लोगों से उनके अंगूठे के निशान ले लिया करते थे और के बाद उनके खातों से पैसे निकाल लिया करते थे। ऐसे ही मामले की शिकायत थाना बेवर में शिकायतकर्ता ने की। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देशन में टीम गठित की गई और मामले को संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस ने जनसेवा केंद्र के माध्यम से धोखाधड़ी कर खातों से पैसे निकालने और छह शातिर सदस्यों में रवि शर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी मधवापुर थाना गुरसहायगंज, कन्नौज नितिन कुमार पुत्र ईश्वरचंद्र निवासी मनियापुर थाना छिबरामऊ, कन्नौज राहुल शर्मा पुत्र मेघनाथ निवासी महमूद नगर थाना छिबरामऊ, कन्नौज अंकित पुत्र श्री सर्वेश कुमार निवासी मधुआपुर थाना गुरसहायगंज, कन्नौज अंशुल शाह के पुत्र श्री राजेंद्र सिंह निवासी महमूद नगर थाना छिबरामऊ, कन्नौज नितिन पुत्र सालीग्राम निवासी ग्राम मऊ बांगर थाना गुरसहायगंज, कन्नौज को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 64,030 रुपये नगद व 6 अदद मोबाइल, 26 आधार कार्ड, 8 अदद सिम कार्ड, अंगूठा, क्लोनिंग सामान, विभिन्न बैंकों के पासबुक, एक कार के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय के सुपुत्र करते हुए सलाखों के पीछे भेजा है। जो बेवर थाना मैनपुरी के रहने वाले हैं, इन्होंने एक मुकदमा लिखाया था कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, 19,000 रुपये इनके खाते से निकाल लिए गए हैं, जिसमें मुकदमा 420 का पंजीकृत हुआ था, जिसमें हमारे साइबर क्राइम को ये काम दिया गया था, जिसमें उन्होंने 6 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें ये कन्नौज के रहने वाले हैं, इसमें एक रवि शर्मा है, दूसरा नितिन कुमार है, राहुल शर्मा है, अंकित, अंशुल और नितिन, ये 6 लोग पकड़े गए हैं और इनके कब्जे से 64,000 रुपये नगद, 6 अदद मोबाइल, 26 आधार कार्ड, सिम कार्ड, अंगूठा क्लोनिंग करने के सामान हैं, लैपटॉप है, कई पासबुकें हैं, एक चार पहिया वाहन बोलेरो है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये लोग कोई न, ये इनका कहना है कि जब इनसे पूछताछ की गई तो बताया कि ये जो रजिस्ट्री की साइट है उस पर जाते हैं और वहाँ से डाटा लेते हैं, अगर उसमें खरीदने वाले, बेचने वाले और गवाहों के अंगूठे के निशान ले लेते हैं और उससे संबंधित जो आधार कार्ड होता है उसका नंबर, उसकी फोटोकॉपी ले लेते हैं, फिर इसके बाद वो जो अंगूठे का निशान होता है उसकी क्लोनिंग करते हैं और उस क्लोनिंग के जरिए ये जो आधार कार्ड जनसेवा केंद्र की आईडी है वो उसको ये लोग जनसेवा केंद्र वालों से ले लेते हैं, फर्जी तरीके से उसको ले करके, जनसेवा केंद्र वाला भी इसमें मिला हुआ है जो इसको 40,000 रुपये में इस तरह की आईडी उपलब्ध कराते हैं और उस आईडी के थ्रू ये क्लोनिंग करके जो अंगूठा का निशान बनाया है उसको ये उसके जरिए और आधार कार्ड के नंबर के जरिए ये किसी का भी पैसा निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड का गैंग था जो यहाँ ऑपरेट करता था। इसमें लगभग अभी तक जो हम लोगों ने इंट्रोगेट किया है उसमें 10,00,000 रुपए इनके द्वारा इस तरह से क्लोनिंग करके निकाले गए हैं। इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है और इस गैंग का एक जो मुखिया है जो दिल्ली में रहता है, ये कुंदन शर्मा, इसके बारे में भी जानकारी की गई है, ये भी फरार है, इसको भी गिरफ्तार किया। कोई राजनीतिक संरक्षण या कुछ और निकल के आया सर? नहीं, ये शुद्ध रूप से फ्रॉड करने वालों का गैंग है और इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड में भी इनको नहीं जाना पड़ता है, ये सब ऑनलाइन सब काम करते हैं और वेबसाइट पे जा करके वहीं से डाटा चुराते हैं और डाटा चुराने के बाद ये अपना प्रोसेस लैपटॉप पे करते हैं। तो ये टेबल वर्क है, लेकिन ये बहुत ही चालाकी से और एक नए तरीके का ये गैंग है जो इस तरह की ठगी का काम करता है, इस तरह का फ्रॉड का काम करता है, जिनको गिरफ्तार किया गया है।